गाजियाबाद में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इसी की रोकथाम के लिए गाजियाबाद में चप्पे चप्पे पर गाजियाबाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जब गाजियाबाद पुलिस ने संजीत खारी नामक बदमाश को रोका तो बदमाश के द्वारा पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया, तो जवाबी फायरिंग में गाजियाबाद पुलिस ने भी गोली चला दी। गाजियाबाद पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इस बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जिस मोटरसाइकिल पर यह सवार होकर जा रहा था, ये मोटरसाइकिल भी नीचे पड़ी हुई है और पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। हालांकि इस अपराधी पर 25,000 का इनाम भी है और ये ट्रोनिका सिटी से हिस्ट्री शीटर भी है। टॉप 10 बदमाश में इसका नाम है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एक संजीत खारी नामक बदमाश है जो कि 25,000 का इनामी भी है और ये ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। खानपुर जप्ती गांव है इसका। ये यहाँ पर पंथला निठौरा के जंगलों के पास रोड पर, मेन रोड पर चेकिंग जब चल रही थी तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान जब इसके पास से तवंचा मिला चेकिंग के दौरान, तो एकदम से तेजी से ये भागा और अपनी बाइक से, तो पुलिस जब इसके पीछे लगी तो उसने फायर किया पुलिस के ऊपर और जवाबी फायर में इसके पैर पर गोली लगी है। और काफ़ी शातिर क्रिमिनल है, इस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कि अभी 4-5 मुकदमों में जो लूट के थे, अब बाकी हम और भी दिखवा रहे हैं, लूट के मुकदमों में ये वांछित था। इसके साथ एक अन्य बदमाश था जो कि अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, कॉम्बिंग यहाँ पर की जा रही है, बहुत ही जल्दी हम उसको भी तलाश कर लेंगे। और बाकी इसमें यह है, बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, ये संयुक्त कार्रवाई थी थाना लोनी ट्रोनिका और ग्रामीण SOG के द्वारा, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी जो इस तरह की बदमाश